गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम जो लैंग्वेज का चैप्टर करने वाले हैं दैट इज 13 पोजेसिव केस। बहुत इजी सा चैप्टर है। इजी क्यों है? क्योंकि जब हम रूल्स फॉलो करते हैं ग्रामर में तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है, हमें पहचानना बहुत इजी हो जाता है कि हमको किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करना है या करेक्ट करना है। ओके, नाउंस में पोजेसिव केस। पोजेसिव का बेसिक मतलब क्या होता है? पोजेसिव का बेसिक मतलब है पोजेशन, किसी की भी चीज, उसकी चीज है, वो पोजेस करता है उस चीज को। एग्जाम्पल समझिए, टीचर्स बुक, मैम की अगर बुक है तो वो बुक किसकी है? मैम की। आपकी अगर पेंसिल है, आपके हाथ में पेंसिल है तो मैं पूछूंगी आपसे कि ये पेंसिल किसकी है, तो आप क्या बोलोगे? मैम मेरी पेंसिल है। आपने अगर आप नया बैग लाए हैं, मैं पूछूंगी बैग किसका है? मैम मेरा बैग है, पापा ने दिलाया है नया। किसकी चीज है, कौन उस चीज को पोजेस करता है, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। क्लियर? अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के सिंपल तीन रूल्स हैं। बस आपको सिर्फ तीन रूल समझने हैं, आप वो समझिए कैसे। दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जो भी वर्ड आएगा उसमें उस वर्ड के बाद हम एस लगा देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, रितुज पर्स, रोहन्स टॉय, राइट? हम क्या कर रहे हैं? रितु सिंगुलर है, रोहन सिंगुलर है, हमने इस नाउन के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, उसका पोजेशन शो कर दिया, पोजेसिव फॉर्म बना दिया। किसका? रोहन का। अगर रोहन का टॉय है तो हम क्या बोलेंगे? रोहन्स टॉय। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। अमित्स बुक, रीटास क्लास, मॉम्स अलमेरा। किसकी अलमेरा है? वो मदर की अलमेरा है। अगर किसी के घर में डिवाइडेड अलमेरा है कि ये मम्मी की है, ये पापा की है, ये मेरी है, ये भैया की है, तो व्हाट डू वी से? मम्मी की अलमारी में ये चीज पड़ी है, लेकर आओ। मॉम्स अलमेरा सिंगुलर नाउन है, उसके आगे हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी लगाया एंड एस। क्लियर? अब यही चीज अगर प्लूरल में आती है कैसे होगी? वो प्लूरल में अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, लेडीज, बॉयज, गर्ल्स, तो उस प्लूरल के बाद में हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। एस नहीं लगाना है, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। वापस एस नहीं लगेगा, बी केयरफुल अबाउट दैट। हम क्या करेंगे? बॉयज टॉयज, गर्ल्स फ्रॉक्स, ठीक है, प्लूरल। अब एक चीज और है, दो रूल हो गए। सिंगुलर में हमने नाउन के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, प्लूरल में हमने प्लूरल नाउन के आगे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया है। थर्ड रूल ये है कि कोई भी वर्ड इस तरीके से प्लूरल है, वुमेन मेन, तो उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। मेन एपोस्ट्रोफी एस, तो क्या बोला जाएगा? मेंस पार्टी। अगर बहुत सारे मैन है, एम ई एन है, वो पार्टी कर रहे हैं तो मेन्स पार्टी या मेन्स रूम, वुमेन्स क्लब। क्लियर? अगर वो क्लब की पार्टी में जा रहे हैं और एम ई एन आ रहा है तो दैट विल बी एस क्लब, एम ई एन एस के बाद एस लगेगा। क्लियर? एपोस्ट्रोफी एस। आप इस रूल को और वीडियो देखिए पहले कि आपको रूल क्लियर हो जाए, बुक में से रीड करेंगे
और कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगी। सिंपल तीन रूल्स पे ये पूरा चैप्टर कवर अप हो गया, इसीलिए मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बोल दिया था बहुत इजी है। तीन रूल्स फॉलो करने हैं, सिंगल में एपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल में बाद में एस, और जब प्लूरल वर्ड ही प्लूरल हो तो एपोस्ट्रोफी एस, खत्म। हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत सारी हमारी कम हो जाती है। ओके, अब आप मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, आप वो बुक में कंप्लीट करके मुझे सेंड करें। ओके, गुड डे, टेक केयर।